जेटली ने संसद में बजट पेश कर दिया है। इस बजट में हेल्थ सेक्टर व किसानों के लिए खासकर छूट दी गई है। किसान अगर कोई भी उत्पाद खरीदेंगे तो अब उन्हें पहले से कम टैक्स भरना होगा। वहीं अगर आप विदेशी वस्तु इस्तेमाल करने का शौक रखते हैं, जैसे पेन से लेकर विदेशी गाड़ी, तो आपके लिए बुरी खबर आ गई है। आज हुए बजट के ऐलान में वित्त मंत्री ने बताया कि विदेशी सामान की खरीद पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई है, जिसके बाद अब हर विदेशी सामान महंगा हो गया है, खास तौर पर विदेशी गाड़ियां। बजट पेश करते हुए जेटली ने बताया कि डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 12.6% बढ़ी है और ये काले धन के खिलाफ मुहिम का असर है। जेटली ने बताया कि टैक्स देने वाले 19.25 लाख लोग बढ़े हैं। इनकम टैक्स कलेक्शन 90,000 करोड़ रुपए बढ़ा। ऐसे में अब 250 करोड़ का टर्नओवर करने वाली कंपनी 25% टैक्स भरेगी। वहीं 99% MSIM को 25% टैक्स के दायरे में लाया गया है। इसके अलावा अगर आप इस साल सोना खरीदना चाहते थे तो सोने के लिए भी नई नीतियां आएंगी। इस नई नीति में सोना ले जाना आसान होगा। रॉ काजू पर कस्टम ड्यूटी घटकर 2.5% कर दी गई है, लिहाजा ये सस्ता हुआ है। आला अधिकारियों की बात करें तो राज्यपाल और उपराष्ट्रपति की सैलरी बढ़ाई गई है। बढ़ने के बाद राज्यपाल की सैलरी 3.5 लाख और उपराष्ट्रपति की सैलरी 4 लाख रुपए महीना हो गई है। कुल मिलाकर देश के आम इंसान की जेब पर भारी चोट इस साल भी पड़ने ही वाली है, क्योंकि ज्यादातर लोग आयातित वस्तुओं पर निर्भर रहते हैं। छात्रों और बुजुर्गों की बात की जाए तो छात्रों की क्लास को डिजिटलाइज कर दिया गया है। वहीं बुजुर्गों को मिलने वाली मेडिकल क्लेम की सीमा को बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा सीनियर सिटीजन को बैंक डिपॉजिट पर ब्याज पर छूट की सीमा को भी बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया गया है। फाइनल कट न्यूज डेस्क। प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स।